Hey guys, कैसे हैं हम सब लोग। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और हम दिल्ली से आ पहुँचे हैं ऋषिकेश, और मेरे बिल्कुल ठीक सामने गंगा मैया बह रही है। और आज हम लोग रुके हैं होटल ईशान में, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्लान किया है कि हम लोग ऋषिकेश को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आश्रम हैं और बहुत अलग अलग तरह के मंदिर हैं, क्योंकि ऋषिकेश जो है उसको हम योग नगरी भी कहते हैं, और यहाँ पर मतलब इसको हम वर्ल्ड कैपिटल सिटी ऑफ योगा भी बोलते हैं। तो मैंने भी अपने कुछ कोर्सेज यहीं से किए हैं, और फाइनली आज मैं यहाँ पे वापस आया हूँ थोड़ा बहुत घूमने के लिए। तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है अभी। और मेरे ठीक सामने त्रिम्बकम योगा और महाध्यान योग आश्रम, बहुत सारे इस तरह के अलग अलग आश्रम हैं। और यहाँ पे आप, मैं अभी आपको दिखाऊंगा नीचे, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ रहा है यहाँ पे। फाइनली बैक टू ऋषिकेश। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऋषिकेश से हम लोगों को योगा के कोर्सेज करने हैं, हम कहाँ पर जाएं, कौन सी अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन से अच्छे स्कूल्स हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले यहाँ पर आएं, और एक एक मतलब जो भी यहाँ पे जैसे अच्छे जिनको रेटिंग्स मिली है वहाँ पे जाके आप मतलब जाँच पड़ताल कीजिए उस जगह की, और जो आपको सूटेबल हो और जो भी आपके नोन में अगर कोई हैं जो ऑलरेडी योगा में हैं उनसे रिकमेंड करके, मतलब उनसे पूछ के आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं और फिर अपने कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने, तो अभी बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बाद में बाहर निकलें और उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। पहले हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं एंड देन काम दूजा करेंगे। चलते हैं हम लोग लंच के लिए, बने रहे हमारे साथ। रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसको अपनी सिटी समझकर यहाँ पे रहो, गंदगी मत मचाओ, और थोड़ा बहुत हाइजीन का ध्यान रखो, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको देख लिया है। हम भी यही चाहेंगे कि हमारे से जो आगे आने वाली जनरेशन है वो लोग भी इस सिटी को
और मतलब वैसे ही देख सकें जैसे हम लोगों ने देखा है। तो ये हमारा परम गाइस, लंच कर हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ और अभी हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। तो काफ़ी सारी उम्मीद थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मण झूला अभी कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, तो उस पर अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है अभी। तो लक्ष्मण झूला तो मेरे हिसाब से आपको वैसा भी जैसे यहाँ पर चहल पहल रहती है वैसी तो नहीं दिखेगी, लेकिन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा लक्ष्मण झूला है, इन झूले भी बंद है और यहाँ पर इसी की जैसा एक और नया झूला बन रहा है। वैसे चलते चलते हम लोग आ गए हैं का नाम है साई घाट और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, आप सबको पता ही होगा। ब्लॉक कर बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता, रिसर्च किया है मैंने, कभी आज तक छुआ भी नहीं। और नशे बहुत सारे होते हैं, आप भी कोई अच्छा नशा ले सकते हो, आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो जाओ। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो आप स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट हो जाओ, आप योगा करते हो योगा के लिए पैशनेट हो जाओ, पढ़ाई करते हो पढ़ाई के लिए पैशनेट हो जाओ। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये व्यसन और ये ड्रग्स वगैरह नॉट ऑफ माय टाइप। गाइज हम लोगों को इन फॉरेनर लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। और ये मतलब एक साइड ये लोग हैं जो बाहर से यहाँ पे आके हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, तो इन लोगों से हम लोगों को बहुत सीखना चाहिए। धन्य है भारत भूमि और धन्य है यहाँ के विचार जो ये लोग अपना रहे हैं। एक टाइम हम लोग इनकी गुलामी करते थे, लेकिन आज ये लोग मतलब आज हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और ये लोग यहाँ पर आके हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। ग्रेट इनिशिएटिव। गाइज़ अभी इतना सब घूमने के बाद, थोड़ा बहुत योग अभ्यास के बाद, और यहाँ पर अब समय हो गया है गंगा आरती का, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, हरिद्वार और ऋषिकेश की गंगा आरती और हाँ वाराणसी की भी। तो गंगा आरती का समय है और लोग धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं गंगा आरती के लिए, तो हम लोग भी यहाँ पर उसी के लिए आए हैं। तो
अब हम बस वेट कर रहे हैं गंगा आरती का। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, पीछे आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे वैदिक मंत्र जो हमारे हैं उसकी, जो यहाँ पे छोटे छोटे बालक लोग हैं वो उसकी चैंटिंग कर रहे हैं। और ये पीछे यही लोग हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको अभी यहाँ की गंगा आरती। बने रही हमारे साथ, हम लोग हो चुके हैं तैयार, गंगा आरती शुरू होने वाली है यहाँ पर। और बहुत ही सौभाग्य हमारे कि आज हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और देखने का मौका मिला कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं किस तरह संचालित होती हैं। और बहुत ही अहोभाग्य हमारे जो भगवान ने हमको आज मौका दिया यहाँ पर गंगा आरती का। बहुत ही पावन दृश्य है और बहुत ही शुद्ध वातावरण, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, मन शांत, तृप्त और भरपूर। ये थी आज हमारी जर्नी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही स्पिरिचुअल थी और बहुत ही एनर्जेटिक थी। तो आज हम अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम दे रहे हैं, अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, ऋषिकेश यहाँ तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएँ, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स फैलाएँ और अच्छे विचार फैलाएँ, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तब तक बने रहिए हमारे साथ, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय, प्रणाम, नमस्कार।